जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन बशीर अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। जब से यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो रामबन जिला के जो हसास इलाके भी हैं वहाँ पर भी एसएसपी रामबन या दीगर जो भी टीम है उनके हमारा विजिट करते हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंट माहौल जो है जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो है सेट किया जाता है। सर आपका खुश आमदीद है हमारे प्रोग्राम में। ये सर जानने की कोशिश करेंगे कि यू एंड गुड़सल की डिस्ट्रिक्ट होल एरियाज आप रामबन डिस्ट्रिक्ट किस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह से आज एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री साहब की भी रैली है और आप भी विजिट में जो है मसरूफ रहते हैं, तो चुनावी माहौल के हवाले से बात करें तो क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। इसमें दो तीन चीज़ें रहती है। हमारा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी होता है एज़ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन, उसके मुताबिक जो है वो हमारा एक डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज़ रहती हैं। किस तरीके से जो इलेक्शन के नियम्स हैं, इलेक्शन के कानून हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको किस तरीके से जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाता है, जैसे 16 मार्च से जो है वो लगा हुआ है, और उसके बाद जितने भी एमसीसी के रूल्स रेगुलेशंस हैं इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, पहला हमारा रोल ये रहता है। दूसरा ये कि इलेक्शन की मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रिपेयरनेस है, जैसे पोलिंग पार्टीज़ हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उनको करना है, प्लस स्वीप के तहत जो है वो लोगों को अवेयर करना है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, किसी के इन्फ्लुएंस में जो है वो नहीं आना है, कोई भी किसी किस्म की कोई इंड्यूसमेंट है इन चीज़ों को जो है अगर कोई आपके नज़र में आता है तो आप जो है वो हमारे संज्ञान में लाते हैं तो हम उसको चेक करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओवरऑल जो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट और लेवल प्लेइंग फील्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक मिशन है कि वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में विजिट भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया को जो है वो स्पॉट पे चेकिंग भी की जाती है, जैसे हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, जैसे एसएसटी की टीम है, जैसे वीडियो सर्विलेंस टीम है या दूसरी जितनी भी हमारी टीम है, तो वो जो चेक करती हैं उनका मेन मकसद ही यही होता है कि इलेक्शन का होल प्रोसेस जो है उसमें किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड। बिल्कुल, एक नुकता ये सर कि जिस तरह से आपने कहा कि चीज़ों को जो है बड़ी बारीकी से देखा जाता है, बात करें कि जरा सी भी अगर कहीं पे चूक होती है तो उसको जो है एक बड़ी पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ती है अगर इस इलेक्शन के पीरियड में, जिस तरह से एक मिसाल है कि एक नंबरदार की जो है एक मिसाल सामने आ गई कि जरा सी भी शिकायत पे जो है उनको जो है उस पे जो है इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, तो एज एन सर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इलेक्शन में आप हेड है यहाँ पे जिले के और एज ए डिप्टी कमिश्नर रामबन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबके लिए कि जिस तरह से और जो है ट्रांसपेरेंसी इसमें देखने को मिले? देखें, जैसे आपने नंबरदार का जिक्र किया तो एज पर गवर्नमेंट रूल जो है नंबरदार इज द बेसिकली रेवेन्यू ऑफिशियल एट द विलेज लेवल, ही इज द हेड ऑफ द विलेज, तो उसको जो है वो शिकायत भी हुई और उसका जो है वीडियो फुटेजेस भी हमें मिले कि वो पॉलिटिकल कैंपेन में जो है वो इन्वॉल्व थे, तो उनको हमने सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, तो इंक्वायरी में अगर वो सारी चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो उनको टर्मिनेट किया जाता है। दूसरा ये है कि जितने भी हमारे, जैसे मैंने बोला आपको कि स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हम भी स्टेक होल्डर हैं इस इलेक्शन में, लेकिन हमारा काम है जो वो किस तरीके से इलेक्शन को फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और लेवल प्लेइंग फील्ड में करवा, ये हमारा रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज का डिफरेंट रोल है, इसीलिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका मेन मकसद ही यही होता है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो परमानेंटली यहाँ पे ड्यूटीज दे रहा है या काम काज कर रहा है वो किसी तरीके से जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं आना चाहिए, जिससे जो है वोटर को इंड्यूसमेंट मिले या वोटर्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस मिले कि किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को वोट देना है, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो लेके ये चीज़ें इंश्योर की जाती हैं और विजिट का मेन मकसद ही यही होता है कि इन चीज़ों को इंश्योर करें ताकि हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इंश्योर होता है। बिल्कुल, पब्लिक के अंदर सर एक छोटा सा कन्फ्यूजन ये है कि नंबरदार के लिए जिस तरह से सर आपने कहा, तो जो डीलर साहिबान होते हैं तो क्या उनके लिए क्या है, क्या वो भी किसी पॉलिटिकल रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? देखें, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में रैली करना, रैली में पार्टिसिपेट करना और एज अ डीलर का किसी चीज में पार्टिसिपेट करना और राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर आप देखेंगे तो राशन किसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? पब्लिक का। जी, पब्लिक का राशन अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके ऊपर पब्लिक की एक जिम्मेदारी आ जाती है और वो राशन जो है वो थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी पहुंचाया जाता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। तो अगर कोई भी डीलर है वो अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से हिस्सा लेता है तो उससे ये चीज सामने आ जाती है कि वो किसी न किसी वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करता है कि आपको किस पार्टी को वोट देना या किस पार्टी को जो है वो आपने सपोर्ट करना है,
तो ये चीजें जब पब्लिक की डायरेक्टली लिंक हो जाती हैं तो उसके बाद वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जिम्मे में आ जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से हम चुनाव में सर देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा सबसे अमलाने में या भाई तकमील तक पहुंचाने में, तो कंट्रोल रूम के हवाले से अगर सर बात करें तो अगर जिले की बात करें बड़ा टफ एरियाज है, तो इसमें अगर बात करें तो सर कंट्रोल रूम जो है किस तरह से तैयार है और आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंट्रोल रूम जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कंट्रोल रूम होता है वो हेडक्वार्टर लेवल पे होता है, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट की हर एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, जो 24/7 चलता है। आपने फुटेजेस भी देखे होंगे सारी चीजें। दूसरा, जो जैसे यहाँ बनिहाल कंस्टिट्यूएंसी में स्ट्रांग रूम है, उस स्ट्रांग रूम के चलते हुए यहाँ पे भी एक हमारा कंट्रोल रूम है, और उस कंट्रोल रूम का मेन मकसद यही है कि जो 15 से लेकर 20 तक जब जो हमारा पूरा प्रोसेस है उसको रेगुलेट करके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस जो कंट्रोल रूम है उसमें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को वहां पे पहुंचा रहा है। सर, लास्टली व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वुड यू गुड सर डिलीवर? मेरी जो है वो यहाँ की आवाम से, पूरे रामबन की आवाम से ये अपील है कि आप बहुत ही अजीज शहरी हैं हमारे लिए, बहुत ही मोतबर शहरी हैं हमारे लिए, तो आप किसी भी तरीके से जो ये हमारा डेमोक्रेसी जमहूरियत का जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, इसको मनाना ना भूलें। आप भारी संख्या में जाएं, वोटिंग करें, लेकिन वोटिंग जो है बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी के दबाव में आए हुए, बिना किसी लालच के जो है वो बिना पे आप वोटिंग करें, ताकि आप अपने देश को, ताकि आप अपने पूरे इस निज़ाम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन बनाने में जो है वो अपना एक अहम जो रोल है उसको निभा सकें। और किसी भी किस्म की कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारा कंट्रोल रूम, मेरे अपने नंबर, हर एक के नंबर का आजकल सोशल मीडिया का टाइम है कि आप हमारे नोटिस में ला सकते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वेरी मच सर। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन बशीर हक चौधरी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जो वक्तन फौक्तन जो है रामबन जिला के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा ले रहे ताकि चुनावी माहौल जो है एक साफ शफाफ माहौल में गुजरे। और इसके साथ में उनका मानना है कि यहाँ पर सभी चीजों को बड़ी बारीकी से जो है वो देखा जा रहा है ताकि वोटरान जो है अपने अपने जो भी उनके कोई मन पसंदीदा नुमाइंदे हो उनको जो है वो सपोर्ट करें और एक बहुत ही बेहतर चुनावी एटमोसफेयर में। इस हवाले से इस प्रोग्राम जम्मू के जरिए SSP रामबन से बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।